अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी। दोस्तों, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आप कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभानअल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर चीजें पसंद थी, लेकिन ये 18 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे। नंबर एक, खजूर। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा खजूर पसंद थी। हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस घर में खजूर हो तो ऐसे घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर दो, जैतून का तेल। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैतून को भी बहुत पसंद फरमाते थे। हमारे नबी रोटी को जैतून के तेल से चौपड़ कर खाना पसंद फरमाते थे। कुरान पाक में भी जैतून का जिक्र आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैतून का तेल खाओ और मालिश में इसको इस्तेमाल करो। नंबर तीन, दूध। दोस्तों, दूध नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक गिजा है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। आप दूध कभी खालिश तो कभी पानी पिलाकर पीते थे। नंबर चार, शहद। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत पसंद था। आप इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फरमाते थे। शहद का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। नंबर पाँच, कद्दू। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कद्दू खाना भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा दावत में तशरीफ ले गई जहाँ पर आपके सामने गोश्त का शोरबा और कद्दू पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्याले में से कद्दू तलाश करने लगे। नंबर छः, सिरका। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिरका भी बहुत पसंद था। आपने ना सिर्फ इसको खाने को कहा बल्कि इसकी तारीफ भी फरमाई है। आपको सबसे ज्यादा अंगूरी सिरका पसंद था। नंबर सात, गोश्त। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से गोश्त भी एक था। आपने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद फरमाते थे। नंबर आठ, अंजीर। दोस्तों, अंजीर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर जन्नत के फलों में से एक फल है। अंजीर का फल बीमारियों को रोकता है और इससे मोटापे से भी काबू पाया जा सकता है। नंबर नौ, अंगूर। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंगूर को बड़े शौक से खाते थे और अंगूर इंसानी सेहत के लिए भी दोस्तों बहुत फायदेमंद है। नंबर दस, जौ की रोटी। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत पसंद थी। आपने कभी भी मैदे की रोटी नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी खाना पसंद फरमाते थे। नंबर ग्यारह, दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चावल को भी खाना बहुत पसंद करते थे। आप चावल बड़े शौक से खाते थे। नंबर बारह, मछली। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मछली खाना भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे और आपने फरमाया है कि जन्नत में मुसलमानों की पहली गिजा मछली ही होगी। नंबर तेरह, हलवा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हलवा खाना भी बहुत पसंद था और आप हलवा बड़े शौक से खाते थे। नंबर चौदह, सैतू। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सैतू भी बहुत पसंद था। नंबर पंद्रह, पनीर। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा सादा होता था और आप अक्सर पनीर खाना पसंद फरमाते थे। नंबर सोलह, ककड़ी। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ककड़ी खाना भी बहुत पसंद था और आप ककड़ी को बड़े शौक से खाते थे। नंबर सत्रह, तरबूज। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तरबूज खाना भी बहुत पसंद था और आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर अठारह, अनार। दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत पसंद था और आप अनार खाना भी बहुत पसंद करते थे। आपने फरमाया है कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। तो दोस्तों, इस तरह से ये 18 चीजें ऐसी हैं जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी। आपको हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को देखते ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।